अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी या हेतूने पोलीस दलाकडून आज शहरामध्ये संचलन करण्यात आले। यामध्ये राज्य राखीव दल, स्थानिक पोलीस यांच्या पथकाने शहरामधून पथसंचलन केले। या पथसंचलनात जामनेर पोलीस स्टेशनचे PI प्रताप इंगळे, राज्य राखीव दलाचे कमांडिंग ऑफिसर, राज्य राखीव दलाचे जवान उपस्थित होते। आपका जो फोर्स है ये काय के लिए आया? ये पहले बता दूं, ये एक रैपिड एक्शन फोर्स है, जो CRPF की एक विशिष्ट बल है। इसका मुख्य काम जो है दंगा या दंगे जैसी स्थिति से निपटना है। तो हम यहाँ पर जो आए हुए हैं एक अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत, जो साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है सेंसिटिव एरियाज में, हाइपर सेंसिटिव एरियाज में, उसकी ड्यूटी के लिए आए यहाँ पर, ताकि एरिया की मालूम हमें हो, यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी हो, और यहाँ पर कहीं पुराना इतिहास अभी रहा हो, कैसे कोई दंगे ऐसी कोई स्थिति कभी रही हो, तो उस एरिया के बारे में हम थोड़ा सा डाटा अपना कलेक्ट करते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हम त्वरित कार्रवाई कर सकें। तो आप पूरे गांव में यानी सब जो आपके जो है कर्मचारी उनको बताएंगे? जी बिल्कुल, रूट मार्च उस एरिया में रूट मार्च करेंगे, और यहाँ से जाने के बाद अन्य जो हमारी कंपनी आए उनको भी डाटा शेयर करेंगे, ताकि भविष्य में कोई जरूरत पड़े तो हम तुरंत रिएक्ट कर सकें उस जगह पर। अब तक आप कौन कौन से पहुँचे? हमारा जो स्टार्टिंग हुआ यहाँ पे आज तीसरा पुलिस स्टेशन है, जो कि इसके बाद ये जामनेर, इसके बाद पाचोरा जाएंगे। इससे पहले हम जलगांव पुलिस स्टेशन गए हुए थे, जलगांव के शहरी का शहर पुलिस स्टेशन है, MIDC पुलिस स्टेशन है, तीन चार पुलिस स्टेशन हमने कवर किए हैं। ऐसे 6 तारीख को हमारा लास्ट कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। जो सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है वही जगह पे? ये बिल्कुल हाइपर सेंसिटिव, इनको हाइपर सेंसिटिव कह सकते हैं। सेंसिटिव में हम 2 साल में एक बार जाते हैं। 2 साल और हाइपर सेंसिटिव? हाइपर सेंसिटिव में हम हर साल वहाँ पर विजिट करते हैं। इससे पहले फरवरी में 2017 में हमारी टुकड़ी यहाँ पे आई हुई थी। पुनः भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।